जितनी भी संपत्तियां अंडर एसएसआई होती हैं, एसएसआई प्रोटेक्शन एक्ट में के अंडर में होती हैं, तो वहाँ किसी की कोई बंदिश नहीं है। स्वत्व और अधिपत्य एएसआई का होता है, पुरातत्व विभाग का होता है, और हर व्यक्ति आने जाने को स्वतंत्र है। दुर्भाग्य यह है कि एएसआई भी सर्वे करने आती है तो बिना प्रशासन के सहयोग के उसे सर्वे नहीं करने दिया जाता। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई जो है केवल और केवल कस्टोडियन है, देखभाल करने वाला। आपकी तरफ से जो याचिका है वो ये डाली गई है कि मतलब ऑल एक्सेस होना चाहिए वहाँ पे, सब लोग जा सके उसमें। जी एएसआई का मूवमेंट देखिए, जितनी भी संपत्तियां अंडर एसएसआई होती हैं, एसएसआई प्रोटेक्शन एक्ट में के अंडर में होती हैं, तो वहाँ किसी की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि एक तरह से स्वत्व और अधिपत्य एएसआई का होता है, पुरातत्व विभाग का होता है, और हर व्यक्ति आने जाने को स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य यह है कि एएसआई भी सर्वे करने आती है तो बिना प्रशासन के सहयोग के उसे सर्वे नहीं करने दिया जाता। बाकी को तो छोड़िए, जिनकी वो संपत्ति है 1920 से, उन्हें नहीं जाने दिया जाता अंदर। तो क्या लगता है कुछ चेंजेस भी हुए, जैसे आर्काइव में कुछ फोटोज हैं तो उसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं? देखिए इस संबंध में तो कुछ कहना अभी उचित नहीं है, बट है तभी हमने सब कुछ किया है। बाकी तो अब सर्वे रिपोर्ट आएगी, सर्वे में जो भी उन्होंने दिया होगा सर्वे कमिश्नर ने, तो बाकी इस बारे में तो हमें कहना। 2018 में भी एफआईआर हो चुकी है उसको एएसआई की तरफ से, एफआईआर भी हो चुकी है, और अभी जून में सर्वे के लिए एएसआई डिपार्टमेंट आया था तो उनको घुसने नहीं दिया। ये एफआईआर तो 2018 की है, तो उन्होंने प्रशासन के सहयोग से सर्वे किया, वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाए। और एएसआई की रिपोर्ट टाइम टू टाइम ये है कि उन्होंने देयर आर सो मेनी चेंजेस ऑफ दिस बिल्डिंग। अच्छा, क्या ये जो जो कमेटी की बात हो रही है, मस्जिद कमेटी की, क्या कोई आपने भी पूछा है कि ये रजिस्टर्ड है कमेटी जो बात कर रही है अपने आप को? देखिए हमने तो नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी वो है तो है, हमें जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड हो बहुत अच्छी बात है, ना हो बहुत अच्छी बात है। हमने तो कोर्ट से जो काम एएसआई को करना चाहिए था वो किया है कि भाई सबको स्वतंत्र रूप से जाने देना चाहिए, जबकि एएसआई भी प्रतिबंधित ही है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, जब वो बिना प्रशासन के सहयोग के वहाँ नहीं घुस सकते, सर्वे नहीं कर सकते, तो वो भी प्रतिबंधित ही है एक तरह से। क्या स्टेटस है आज सर्वे जो कमिश्नर थे उन्होंने जो है सर्वे मांग लिया है? देखो ऐसा, पहले तो ये थोड़ा सा गलतफहमी दूर करना, सर्वे कमीशन नहीं था, वो एडवोकेट कमिश्नर था। सर्वे कमिश्नर अलग होते हैं, एडवोकेट कमिश्नर अलग होते हैं। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुआ, वो उन्होंने 19 तारीख को सर कमीशन किया, उसके बाद में 24 को कमीशन किया, उसके बाद 29 को उन्होंने टाइम मांगा, फिर टाइम मिल गया, आज फिर उन्होंने टाइम मांगा है, तो उस पर हमारी ओर से आज आपत्ति आएगी। अभी आपत्ति जाएगी लिखित में। कमीशन नहीं होगा अब दोबारा, कमीशन भी नहीं होगा, और टाइम अदालत चाहे तो दे सकती है उनके लिए, वरना उम्मीद कम है टाइम देने की। नहीं देती है टाइम तो क्या पूरा आज ही फिर रिपोर्ट? हाँ आज ही देनी पड़ेगी रिपोर्ट। अच्छा, तो अभी तो खोल नहीं सकते लिफाफा? नहीं लिफाफा नहीं खुलेगा। अच्छा, तो हाई कोर्ट के लिए मूव कर गए आप लोग? हाई कोर्ट के लिए कल जाएंगे हम। कल जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है अभी तक, क्या न्याय होगा वहाँ से? भाई हम भी न्याय लेने जा रहे हैं, दूसरी पार्टी भी न्याय मांगी, वहाँ न्याय होगा हम ये समझते हैं। कल हाई कोर्ट जा रहे हैं फिर? जी जी। तो अब जो वो दावा कर रहे हैं कि जो ये मतलब एक्सेस होना चाहिए सबको, जो कि एएसआई की प्रॉपर्टी है, तो आपकी तरफ से क्या कहना है? एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई जो है केवल और केवल कस्टोडियन है, देखभाल करने वाला। वो कह रहे हैं 250 नंबर पर दर्ज है? नहीं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है एएसआई को। 2018 में बोल रहे हैं कि एफआईआर होना अलग चीज है, एफआईआर केवल उन्होंने इस आधार पर कर दी, रेलिंग लगा दी मस्जिद में एंट्रेंस करने के लिए, उस पर उन्होंने एफआईआर कर दी। मिल्कियत का मुकदमा 300 साल पहले हाई कोर्ट से तय हो चुका है मस्जिद के पक्ष में।
अब इसमें आप स्टेप क्या रहने वाली है अब आगे, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि अभी समय नहीं मिलेगा जी, तो रिपोर्ट भी पेश ही हो जाएगी फिर? रिपोर्ट पेश कर देते हैं तो वो उसमें सील रिपोर्ट जाएगी, वो रख जाएगी फाइल पे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सील जो है रिपोर्ट ले ली जावे और खुली ना जाए। तो इसमें ये भी ये लोग कह रहे हैं कि जो कमेटी बताई जा रही है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, कमेटी का रजिस्टर्ड होना ना होना कोई इशू नहीं है, कमेटी है अस्तित्व में, रजिस्टर्ड नहीं है तो इट नेवर मीन्स कि वो जो है अस्तित्व में नहीं है। हाँ, कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे देखभाल कोई तो करेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्मल है, उसको जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो रिचुअल्स होते थे वहाँ पे 2012 में भी हिंदू रिचुअल्स होते थे मस्जिद के बाहर? नहीं, मस्जिद के बाहर कभी कोई नहीं हुआ। तो फिलहाल जो है अब हाईकोर्ट मूव कर रहे हैं जी, जी जी, और यहाँ से आज रिपोर्ट जैसे रेडी नहीं है तो वो दाखिल कर सकते हैं, अदालत कह सकती है उनसे आज ही दाखिल करो। तो आज फिर उन्हें रेडी नहीं है तो फिर रेडी है, दे नहीं रहे जानबूझ के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।